हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। बीते 25/4/2023 को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, जो पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं, का भ्रमण साहेबगंज जिला में हुआ। इस दो दिवसीय दौरे में माननीय मंत्री जी का भ्रमण साहेबगंज जिला के बंदरगाह का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा कहा गया कि 2030 तक पश्चिम बंगाल के हल्दिया से यूपी के बनारस तक 60 से ज़्यादा जेटी रोपैक्स पब्लिक की सुविधा के लिए बनाने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड में 4 जेटी या मिनी बंदरगाह पर अभी काम चल रहा है। इसमें उधवा के राधानगर, राजमहल, मंगलहाट और साहेबगंज में जेटी बनेगा। जिले में प्रथम फेज का काम हो चुका है। 172 मीटर का काम पूर्ण हो चुका है। 200 मीटर और काम होगा। इसे रेल संपर्क से भी जोड़ा जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। कन्वेयर बेल्ट से सामग्री को लोड अनलोड किया जाएगा। इसमें क्षेत्र के व्यापारी को सुविधा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा यह भी बताया गया कि साहेबगंज की गंगा नदी में 2000 टन क्षमता तक मालवाहक जहाज चलाने लायक पानी मौजूद है। वहीं गंगा नदी में पुल बनाने का काम फुल फेज में चल रहा है, जो कि 2024 तक गंगा पुल कंप्लीट हो जाएगा। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री अपने दो दिवसीय दौरे पर दिनांक 26/4/2023 को भागलपुर जिला के लिए प्रस्थान कर गए। माननीय राज्य मंत्री के दो दिवसीय दौरे को स्थानीय लोगों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।